हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि 11th क्लास में क्या क्या टॉपिक हैं जो गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि 12th क्लास में सरकार ने क्या आपकी हेल्प की है, कैसे आप अच्छे नंबर आ सकते हैं। कम पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लेके आओ, गवर्नमेंट का रूल है आपके लिए, है ना? तो हम वही देख रहे हैं। तो क्या क्या कहा गया है वो देखो, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और सबसे पहले क्या करो कि बुक ओपन कर लो। देखो, बुक ओपन कर लोगे और उसमें टिक लगा लेना। टिक लगा लोगे तो जब एग्जाम में हर बार तो देखने बैठोगे नहीं, तो टिक लगा लोगे तो हाँ याद रहेगा कि ये नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है। नहीं तो क्या होगा कि जोश जोश में सब कुछ कर लोगे। भले इतना जोश आप में आता नहीं है, वो बात अलग है, बट फिर भी अगर बहुत किसी में आ जाए तो इसलिए बुक निकाल के फिर टिक लगा लो। और पेन पेंसिल से लगाना टिक भी, तो मान लो तभी उसे रफ करना पड़े। तो यहाँ पर चलो इसका आई थिंक बुक निकालिएगा। अगर नहीं निकाली तो वीडियो को पॉज करो, बुक निकालो, पेंसिल लो, लगा। स्टार्ट करो फर्स्ट टर्म से, रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, यहाँ पर डिलीट एक्स्ट्रा एज है, डिलीटेड क्वेश्चन है, नंबर पेज नंबर है, डिलीटेड एग्जाम्पल है, डिलीटेड टॉपिक है। ओके, और यहाँ पर ये पूरा है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 1.4 पूरे क्वेश्चन मिस्टर इंडिया कर दो सबको, मतलब गायब कर दो आप इसको, है ना? इसको नहीं पढ़ना आपको। पढ़ना क्या है आपको? पे नंबर एंड यहाँ पर मिसलिनियस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, 1 2 3 6 7 9 11 12 13 14 18 19, बता क्या कमी कर दिया। ठीक है, हटा दोस्तों, गोली मारो। नेक्स्ट पे आओ, पेज नंबर क्या है? हाँ, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल 15 एंड 28 लगा लो, छुट्टी लगा लो। ये नहीं करना आपको, 15 से 28 नहीं करना आपको। पेज नंबर 20 पर आओ, 29 से 40 नहीं करना आपको। कॉम्पिटेटिव फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना आपको। 27 पेज नंबर पे 45 एंड 49, ये दोनों नहीं करने। कॉमा लगा हुआ है, ध्यान रखना, 29 से 40 पर क्वेश्चन नहीं करने। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 29 से 40 को क्वेश्चन नहीं करने, और 45 और 49 ये क्या लगा है, कॉमा लगा है, तो ये दोनों एग्जाम्पल नहीं करने। इसे पता लगा पूरा ये छोड़ दो, ऐसा नहीं। ये आपके टॉपिक है तो बाइनरी ऑप्शन काट दो इसको, ये यहाँ पर इसको भूल जाओगे ना। बाइनरी ऑप्शन काट दो एंड कंपोजिशन फंक्शन इसमें कुछ पढ़ लेना थोड़ा बहुत, बाद में काम ही आएगा। मैथ तो काम ही आती है जिंदगी भर, तो मैथ काम आती है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो तो भी काम आएगी। अब वैसे भी अगर मान लीजिए कोई आप में से नासा वासा पहुंच जाए, सब कुछ करो, है ना, तो उस टाइम भी काम आती है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैथ काम नहीं आती है। अब देखो, वैसे भी मैथ काम आएगी। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग के बाद आप इसरो का या फिर एग्जाम तो दोगे ना बड़ी बड़ी जॉब का, तो उस टाइम काम आएगी, तो उस टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, है ना? चलो, सेकंड जो चैप्टर है इन्वर्टिंग ट्रिग्नोमेट्री, टर्म फर्स्ट 2.2, ऑल क्वेश्चन हटा दो। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 17 हटा दो। पेज नंबर 45 पर एग्जाम्पल 3 2 8, 3 2 8 हटाओ, कट कर दो उसको, है ना? और पेज नंबर 49 पर 10 2 13 ये भी हटा दो। डिलीट टॉपिक क्या है वो है प्रॉपर्टी ऑफ आई बीटी, ये भी रख दो आप, है ना? तो यहाँ पर देखिए, ये आपके टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको देख लेना एक बार, है ना? और जो ये इस पर ध्यान दो तो यहाँ से आप उसे हटाओ। क्वेश्चन 12 पे जो आपके क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर पे आओ, मैट्रिक्स के अंदर 3.4 ऑल क्वेश्चन हटाओ। पेज नंबर 92 पर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के बारे में बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, एग्जाम्पल 23 एंड 25 ये भी हटाओ। इनवर्स वाइज एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक काट दो। एंड यहाँ पर ये टॉपिक हैं सारे आपकी जो बुक के हैं। यहाँ पर टर्म फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्या डिटरमिनेंट के अंदर एक्सरसाइज 4.2 ऑल क्वेश्चन रिमूव करो, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 तक डिलीट कर दो। पेज नंबर 110 पर 6 to 16, 6 to 16 काट दो। पेज नंबर 137 पर 32 32 34, मतलब 30
32 एंड 34 ये भी कार्गो, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमेंट ये नहीं आएगा, है ना? तो ये हमें नहीं करना, यानी कि ये वाला, ये बता देते हो धंधा है ये। हाँ अब आ जाओ, हम धंधा क्या है, एग्जाम में नहीं आएगा ये। क्या फर्स्ट का कन्वर्टिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5.8, ऑल क्वेश्चन हटा दो इसको, पेज नंबर 185, 42 से 43 हटाओ। मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम नहीं आएगा तो पढ़ना भी नहीं है। ये है आपके पेज नंबर, यहाँ पे देखो ये पेज नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? तो पेज नंबर, ये पेज नंबर है। यहाँ पर आओ, टर्म फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्स्ट्रा 6.1 एंड 6.4 ऑल क्वेश्चन हटाओ इसमें से, विचने एक्स्ट्रा इज क्वेश्चन 1 एंड 19, है ना? ये हटा दो, विचने एक्स्ट्रा में से ये वाला क्वेश्चन नहीं करने हैं। पेज नंबर 194 में 125, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन पढ़ा दो, एंड 214 पर 21 से 25 ये भी हटा दो, है ना? रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन ये दोनों आपको नहीं करना है। 234 पेज पर 42 से 44 ये भी हटा दो आप, है ना? ये हो गया हमारे पास, यार बोल रहे थे जाते हैं। अब आ जाओ, टर्म फर्स्ट का लीनियर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर 12.1 एक्सरसाइज में 469 ये क्वेश्चन नहीं करने, एंड पेज नंबर 515 पर 6 to 8 ये क्वेश्चन नहीं करना, एंड 521 पर 9 to 11 ये नहीं करना। अनबाउंडेड लैंग्वेज क्वेश्चन ये आता हुआ, ओके, एंड 12.2 ऑल क्वेश्चन गोली मार, खत्म करो इसको, है ना? और टॉपिक तो पता ही है यार, आपके एनसीईआरटी बुक में होता है, समझ जाओगे आप, है ना? अरे बस देख लेना उसको, समझ के जाओगे, देख तो सकते हो ना, भगवान ने दो आंखें दी हैं बड़ी बड़ी। चैप्टर टर्म टू में देखो, तो अब तक हमने क्या देखा था, टर्म वन देखा था, अब हम टर्म टू देख रहे हैं जो अब थोड़ा ज्यादा समझना है ना। इंटीग्रल्स हैं 7.8 एंड चैप्टर 7 सप्लीमेंट्री, ऑल क्वेश्चन यहाँ पे आपके हट जाते हैं। पेज नंबर 333 पर 25 26 हटा दो, 521 9 to 11 हटा दो, लिमिट ऑफ सम टॉपिक है वो आपको नहीं करना है। वहीं पर आप देखें आप लोग, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 8.2 के ऑल क्वेश्चन हटा दो आप, विचने एक्सरसाइज के 12 18 19 ये क्वेश्चन हटा दो। पेज नंबर 367 पर 6 to 10 ये क्वेश्चन हटा दो, 373 13 14 हटा दो, नो कॉम्प्लेक्स नंबर। और आओ टर्म टू में, डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 ऑल क्वेश्चन हटाओ, पेज नंबर 388 पर 428 415 पर 25 28 हटा दो, फॉर्मेशन ऑफ डी टूज इन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। एक्स्ट्रा 9.3 में विथ मीन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर 357 ये हटा दो, होमोजेनियस डी ये सारे इस टॉपिक हटा दो। ओके अब आओ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, तो इसके अंदर मिशन एक्सरसाइज क्वेश्चन 18 हटाओ, एस टी पी टॉपिक हटाओ। अभी समझा लेंगे, जब आपको ये पढ़ाएंगे तब समझा लेंगे एस टी पी टॉपिक, अभी समझ में भी नहीं आएगा। थ्री ज्योमेट्री 11.2 क्वेश्चन 10 एंड 11 हटा दो, एंड एक्सरसाइज 11.3 में 12 13 का A 13 का E ये भी हटा दो, है ना? तो यहाँ पर पेज नंबर 472 पर 9 और 10 ये हटा दो, 489 पर 22 23 एंड 25 ये हटा दो, और एंगल टॉपिक आपका नहीं आएगा। एंड यहाँ पर लास्ट प्रोबेबिलिटी 13.4 के अंदर 10 to 17 क्वेश्चन हटाओ, 13.4 बिल्कुल हटाओ, 567 पेज नंबर 27 to 29 ये नहीं आएगा, 572 पर 32 32 30 to 32 है ना, ये नहीं आएगा, 30 से 32 30 31 32 ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब अच्छा बहुत को आती नहीं होगी ना हिंदी वाली, 30 31 32 ये नहीं आएंगे आपके, 579 34 to 35 ये भी नहीं आएंगे। अच्छा बच्चे क्या होता है, फ्रेंच सीख रहे होते हैं, उनको हिंदी नहीं आती होती है, देखो तो ठीक है हिंदी से जॉब नहीं मिलती है, ठीक है ये सच है कि हिंदी
हिंदी सीखने से जॉब नहीं मिलती है, बट आनी चाहिए, बेसिक हिंदी आनी चाहिए कि कोई बोले तो समझ जाओ। जैसे हम साउथ के लोग कहेंगे कि सर हमें तो आती नहीं, तो वो ठीक है उनका वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अब नॉर्थ है मैं हो तो एक बार सीख लो, अगर ठीक है और नहीं सीखना कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मीन वेरियंस बर्नौली ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको नहीं पढ़ना है। सर ये वो कहते हैं सर आप हिंदी हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बस रिक्वायरमेंट बता दिए आपको, बाकी आपकी इच्छा है। ये तो वो जोमेटो वाला सीन हो गया था कि भाई हिंदी नहीं आती आपको, है ना, तो वो वाला ऐसा कुछ पत करना। ठीक है, तो ये आपका पूरा है 12th क्लास का जो सिलेबस जो आपको पढ़ना है। ओके ठीक है, अब आप इसे समझ लीजिए, ये चीज़ आपकी बुक में टिक हो जाएगी, बुक में टिक हो जाएगी तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि तो हर बार आप वीडियो देखने में बैठोगे नहीं, बार बार वीडियो तो क्या देखोगे, तो इसलिए इसको लगा के रख लो एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और टाइम कम है तो वो क्या है, 11th 12th 12th क्लास में तो आपको अच्छे नंबर लाने तो तकरीबन ये लगा के चलो कि 5 टाइम्स मिनिमम 5 टाइम्स आपको एक बार प्रेजेंट कर लो। 5 टाइम का मतलब है कि 3 3 मंथ के अंदर आप, 3 मंथ या फिर 2.5 मंथ के अंदर, तो क्या क्लियर से लेट होता है लेकिन फिर भी आपको लोगों से आगे बढ़ने के लिए पहले करके बैठ जाओ, पढ़ के बैठ जाओ खुद, तो फिर देखो मजे आते हैं। ठीक है, से पहले पढ़ के बैठ जाओ, फिर जो चीज समझ में आती है ना, जैसे वहाँ पर ट्राई करके देखना आप क्या करो कि कल जो स्कूल में होने वाला है उसको आप पहले समझ लो, जितना पढ़ने वाला है उससे ज़्यादा समझ लो, मतलब 2 3 पेज ज़्यादा समझ लो अच्छी तरीके से, कैसे समझोगे उसको पहले पढ़ लो उसमें। और बहुत सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी जाओ, एनसीईआरटी की जो स्टार्टिंग की चीज़ होती है वो सब पढ़ो, फिर देखोगे आप कि इसको जो समझा रहे हैं ना वो मजे से आपको बिल्कुल, जैसे लेयर सेट होती है ना वैसे सेट हो जाएगा आपके, तो ये चीज़ आप थोड़ा अप्लाई करो, मजे आएंगे आपको स्टडी करने में और आपको समझ में भी आएगा, और टीचर आपको जवाब, टीचर आपको क्वेश्चन पूछेगा आप फटाफट जवाब दोगे तो क्लास में रेस्पेक्ट होगी, आप सिंपल सी बात है, तो ऐसा अप्लाई करो बढ़िया आएगा मजे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।